हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। स्टूडेंट्स उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक रॉड है जो एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है। इस टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स इस रॉड की नेचुरल लेंथ जो है एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और जिस मटेरियल से ये रॉड बनी है उसका यंग्स मॉडुलस वाई और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा आपको दिया हुआ है। इस इंस्टेंट पे स्टूडेंट्स इस रॉड की नेचुरल लेंथ एल है और वो उसी लेंथ पर है ये स्टूडेंट्स। तो अगर जिस लेंथ पे ये रहना चाहती है अगर उसकी लेंथ उतनी ही है तो इसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, है कि? अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सपोज डेल्टा टी से मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हो गया, ये रॉड एक्सपेंड हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि इस रॉड का एक्सपेंशन होके इसकी फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी। तो सपोज इस रॉड की लेंथ डेल्टा एल बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, ये है ना, टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी से, तो इस रॉड की लेंथ इतनी बढ़ गई डेल्टा एल, डेल्टा एल हम जानते हैं एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज ये रॉड जो है इस लेंथ से बढ़ जाना चाहती है और हम उसको बढ़ने देते हैं, जैसे कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई है, ये रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रॉड की लेंथ बढ़ेगी और हम उसको बढ़ने दे रहे हैं, तो ऐसे केस में इसके अंदर स्ट्रेस क्यों जनरेट होगा, कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ये वैसी ही बात है स्टूडेंट्स कि आप बेड पर लेटे हो, आपको पैर फैला के सोने का मन कर रहा है, आप सो गए पैर फैला के, तो आपके आपके पैरों में आपके शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं आया। लेकिन इमेजिन करो कि आपको एक डब्बे में बंद कर दिया जाए जहाँ पे आप पैर पूरी तरीके से फैला भी नहीं पा रहे, तो जो आपकी नेचुरल स्टेट है उसमें अगर आपको नहीं रहने दिया जाए तो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी ये जो रॉड है, ये रॉड फैल कर एल प्लस डेल्टा एल लेंथ इसकी हो जाना चाहती है, एल डैश जो इतनी हो जाना चाहती है, अगर हम उसको वो लेंथ से फैलने दे रहे हैं, एक्सपैंड होने दे रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना। तो इस इंस्टेंट पर अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दिया स्टूडेंट्स तो कोई स्ट्रेस नहीं आया है, स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस स्टूडेंट्स अभी जीरो है, अभी जीरो है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर मैं इस रॉड के फैलने पे पाबंदी लगा दूं, जैसे कि इस रॉड को मैंने ये दो रिजिड वॉल के बीच में रख दिया है जिसकी जिनके बीच में लेंथ एल है, एल है, तो स्टूडेंट्स अब अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं मैं इस रॉड का तो ये रॉड फैलना चाहेगी, फैल के इसकी नेचुरल लेंथ तो स्टूडेंट्स कितनी बढ़ना चाहती है, डेल्टा एल हम जानते हैं एल अल्फा डेल्टा टी, इतनी लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन ये रॉड जो है, ये जो वॉल्स है, वॉल्स के बीच में रॉड रिजिडली फिक्स्ड है, बढ़ नहीं पा रही है। स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये रॉड जो है कंप्रेस होते जा रही है एक्चुअल में। अगर ये रॉड नहीं, दीवार नहीं होती तो ये फैल जाती रॉड आराम से, इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसको फैलने नहीं दे रहे हो, जिस कारण से स्टूडेंट्स क्या होगा इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, इस रॉड में कितना फोर्स डेवलप होगा, ये सब निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक रॉड है, अब क्वेश्चन ही बदल गया है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल प्लस अल्फा डेल्टा टी थी, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, एल प्लस डेल्टा एल, ये नेचुरल लेंथ डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, और ये जो वॉल के जरिए क्या किया है, फोर्स लगा रखा है हमने, फोर्स लगा रखा है, इस कारण से तो इस फोर्स इस रॉड के अंदर कंप्रेशन आ रहा है। तो हुक्स लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं रॉड के अंदर जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस कितना है, फोर्स अपॉन जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ पे रॉड में चेंज इन लेंथ कितना हो चुका है स्टूडेंट, चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी, ये जो रॉड है इस वक्त डेल्टा एल से फैल जाना चाहती है, लेकिन आपने उसको कंप्रेस करके रखा हो डेल्टा एल से, तभी तो उसकी रॉड की लेंथ जो है मेंटेन है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ आपने कितना का रखा हुआ है, डेल्टा एल, जिसको मैं बाद में एल अल्फा डेल्टा टी लिखूंगा, अपॉन इनिशियल नेचुरल लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। तो स्टूडेंट यहाँ से फोर्स आएगा यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, डेल्टा एल की जगह पर लिखता हूँ एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल प्लस। अब स्टूडेंट्स देखो एक्सपेंशन बहुत निग्लिजिबल होता है, एल अल्फा डेल्टा टी जो है ये क्वांटिटी ये निग्लिजिबल है, तो हम चाहें तो इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अभी लिखता हूँ एल अल्फा डेल्टा टी
क्योंकि लेंथ रॉड की लेंथ में एक्सपांशन नेगलिजिबल होता है, मैं इस टर्म को नेगलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि फोर्स इज इक्विवेलेंट टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। ये पूरा टर्म नेगलेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, को क्या कह दिया, जीरो कर दिया। तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस एरिया अल्फा डेल्टा टी। ये इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हुआ स्टूडेंट्स, इस तरीके से कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं। क्या है आपको समझ में, थर्मल स्ट्रेस क्या है, ये रॉड स्ट्रेस में है, उसके अंदर स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कंप्रेसिव फोर्स कितना लगाई हुई है दीवार, अगर ये निकालना है तो इतना लगाइए। ओके स्टूडेंट्स,